नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और यह है भैया इंडिया का सबसे ज़्यादा चहेता इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला। बहुत डिमांड आई, बड़ी मुश्किलों से स्कूटर मिल पाया, तब जाके हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे इसका एक डिटेल्ड राइड रिव्यू, जैसा आज तक शायद आपने ना देखा हो। छोटी छोटी बातें करेंगे, कंडीशन से जान सकते हो कितना ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं। नहीं भरोसा होता है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। इसे करते हैं ऑन। रीडिंग देख लो, 807 किलोमीटर से चल चुका है। सो बहुत तगड़े से मैंने इसको एक्सपीरियंस कर लिया है। अब मैं इसका एक डिटेल राइड रिव्यू लेके आया हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये S1 है, S1 Pro भी इस रेंज में आता है, बस एक फीचर का अंतर है हाइपर मोड का, बाकी सिमिलर स्पेसिफिकेशन आती है। प्राइजिंग में भी डेफिनेटली अंतर है। S1 आपको 1,29,000 रुपये का पड़ता है, S1 Pro पड़ता है आपको 1,40,000 रुपये का। 10,000 रुपये के अंतर पे आपको चीज़ें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलती हैं। पहली बात तो वहाँ पर आपको 4 किलोवाट आर की बैटरी मिल जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 3 किलोवाट आर की बैटरी है, तो ये एक चीज़ बन जाती है। बाकी डिटेल्ड में हमने इसका एक डिटेल्ड वॉकराउंड कर रखा है, जहाँ पर हमने S1 Air के साथ और S1 Pro के साथ कंपैरिजन भी किया है, तो उसको आप जाके चेक कर लेना। ये मैं आपको पर्सनल राय देना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उतना किसी ने एक्सप्लेन किया नहीं है। लोग फैंसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको गाने बजा के दिखाएंगे, वो तो ब्लूटूथ के ज़रिए पेयर करके आप भी बजा लोगे यार। मैंने और चीज़ें वहाँ पर बता रखी हैं, तो उसे डेफिनेटली आप चेक कर लेना। एंड अभी जो है हम इसे चलाएँगे। इको मोड और स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड तीनों पे ही चेक करेंगे, रिवर्स आता है तो वो भी चेक करेंगे, और सस्पेंशन वगैरह के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने का प्रोसीजर देख लो, यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक किया। अब मैं पासकोड डालूँगा, ठीक है। अगर मेरे मोबाइल फ़ोन में MoveOS का ऐप डाउनलोडेड होता तो मुझे ये काम भी नहीं करना पड़ता। अब सोचोगे अगर मेरा भाई या बहन चलाए तब, तो उनके पास भी एक इनविटेशन पहुंच जाएगा, जिसके थ्रू अगर उनका फ़ोन इसके पास आएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। अभी राइड रिव्यू शुरू करने से पहले एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखो नीचे ट्रंक का शाइन है, ट्रंक ओपन, ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे 36 लीटर का बूट स्पेस कंपनी ने ऑफ़र किया है। फ़िलहाल इसे चला के देखेंगे, उससे पहले एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ। वैसे हमने इसके बारे में बात कर रखी है, फिर भी देख लो एक बार। इधर अपनी मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाती हैं, ये हो गई लोकेशन, ठीक है, लोकेशन और म्यूज़िक। उसके बाद अपनी ये सेटिंग्स आ जाती हैं, एंड उसके बाद कितनी क्या चल जाएगी। इको मोड पे 58 किलोमीटर, नॉर्मल पे 48 और स्पोर्ट्स पे 44 किलोमीटर। 45% जो है वो अभी इसकी बैटरी दिखा रही है। सो अभी इसे हम चलाते हैं, देखते हैं एक्चुअली ये कितना चल पाएगा। बाकी अभी पार्कड है, होम पे आ जाएं तो हम इसका लेआउट चेंज करना चाहेंगे। बोल्ट, इलिप्स, विंटेज, विंटेज से हम शुरू करेंगे। अप्लाइंग, अभी हमने साइड स्टैंड हटा दिया, साइड स्टैंड लगा होगा तो स्कूटर आपका कहते ही स्टार्ट नहीं होगा। ब्रेक दवाई, सो ये साउंड ऑन है, ये आर्टिफिशियल साउंड इधर से आ रहा है क्योंकि एग्जॉस्ट ईवी में नहीं आता। इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, इसे आप मैनुअली ऑफ भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो मैं आपको दिखा दूं करने। ये देखो हमने बंद कर दी, अब ये स्टार्ट है, ये सिर्फ हमें पता है, बाकी भैया आसपास वाले किसी को भी नहीं पता। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ें, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार। एंड एक्चुअली पता है इस थीम का नाम विंटेज क्यों रखा गया है, ये जो अपने पुराने वाले स्कूटर्स होते थे ना उसकी तरह साउंड करता है। तो इसे हम एक बार ऑन करना चाहेंगे। ओह माय गॉड, अपने पिलियन को अपने साथ ले लेते हैं, आओ भाई। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा चलाएंगे। इधर देख सकते हो ट्रिप मीटर वगैरह भी आ रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी इधर अपना जो साउंड के कंट्रोल्स हैं वो भी है, उसे भी मैं एक्चुअली उस वाले वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो वो वहाँ पर जाके चेक कर लेना। बाकी अभी हम इसे नॉर्मल मोड पर चलाएँगे, टॉप स्पीड वगैरह कितनी जाती है वो देखेंगे। हालाँकि दो लोग बैठे हुए हैं बट फिर भी कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो आइडिया लगेगा। तो ब्रेक का तो पता भैया यहीं से चल गया, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा ज़रा मेन रोड पे चलते हैं, वहाँ पे चला के देखेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल मोड पे हैं, विंटेज हमने इसका थीम अप्लाई कर रखी है,
तो नॉर्मल मोड पे थोड़ा सा इसे रब करके देखेंगे। नॉर्मल मोड पे 80 पे जाके ये इसका लिमिटर आ गया। अब एक फन फैक्ट पता है क्या है, आप सिंगल चला रहे हो या दो लोग बैठे हो, जो इसकी स्पीड लिमिट है वो उतने पे ही जाएगी। हम लोग दो लोग बैठे हुए थे, जब मैंने सिंगल ड्राइव किया था तो भी वो वहीं तक जा रहा था। अब हम स्विच करते हैं स्पोर्ट्स मोड पे, ये लग गया स्पोर्ट्स मोड। एंड अभी जरा इसे देखो, पहली बात तो स्पोर्ट्स मोड पे लगते ही जो आपको सडन फील पता है क्या होगा, जैसे ही आप रब करोगे ना तो आपको एक्सलरेशन में तुरंत डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो बॉडी है ना वो पीछे को जाने लगेगा। ये देखिए, एंड 0 to 60 ना बहुत सेलेक्टिव सेकंड्स में ही हो जाता है। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। और जो S1 Pro में हाइपर मोड आता है वो तो पता है कैसा होगा, गर्लफ्रेंड का कॉल आया है, होम अलोन, हाइपर मोड लगाओ, 2 सेकंड में उसके घर पहुँच जाओ और बाकी छोड़ो। अच्छा अभी चलते हैं इसके ऊपर। तो अभी हम हैं स्पोर्ट्स मोड पे, साउंड देखो भाई, इजीली मतलब नॉर्मल मोड पे 80 में पहुंचने में बहुत टाइम लगा था, स्पोर्ट्स मोड में ये जो दूरी है ना बहुत जल्दी कवर हो जाती है। एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा आपको, बस देखो भाई हम लोग दो लोग बैठे हुए हैं, 95 तक गया, लिमिट कर गया। देखो यहाँ पर रेंज अब 40 किलोमीटर शो कर रहा है, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स मोड में इसको चलाया है, स्पीकर भी ऑन है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखना। तो 95 तक वहाँ पे गया था। अब हम टेस्ट करते हैं इसका जो तीसरा मोड है। तीसरे मोड में जाने के लिए अभी तक तो हम सिंगल प्रेस कर रहे थे, अब इसे 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये लग गया अपना इको मोड। अब इको मोड पे रेंज जो है ना वो देखो 52 किलोमीटर, 12 किलोमीटर रेंज जो है, 12 किलोमीटर रेंज इसकी तुरंत बढ़ गई, ये देख सकते हो। अब इको मोड पे जो आपका स्कूटर है वो फिर वो इको मोड वाली ही हरकतें करने लगता है। रेंज आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगी, बट जो स्पीड है ना अब उसे यार भूल जाओ। अब देखो स्पीड कितनी आ रही है, 42, बस 42 से ऊपर आप इको मोड पे लेके जा ही नहीं सकते हो। यहाँ से ज़रा सा हम थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं, एंड टर्निंग रेडियस भी आपको यहाँ पे बता देंगे हम। सो इको मोड में देखो ज़रा, पूरा घुमा दिया, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, बिल्कुल हौले हौले, बिल्कुल हौले हौले भैया, बिल्कुल हौले हौले वहीं पे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाना चाहूँगा, इको मोड पे रब किया, हम हौले हौले बढ़े। अब सिमिलर चीज़ दिखाएंगे हम नॉर्मल मोड पे, इधर ध्यान देना, है देखा डिफरेंस आपको पता चला। अब सिमिलर चीज़ हम स्पोर्ट्स मोड पे आपको करके दिखाते हैं। ये स्पोर्ट्स मोड लगा, 1 2 3 मिली सेकेंड्स के डिले के बाद ये स्कूटर जो है ना बिल्कुल उठ खड़ा होता है, तो वो एक चीज़ बन जाएगी। बाकी अभी मैं इसका रीजनरेशन आपको दिखा दूँ, ये हमने बढ़ाया, ये हमने छोड़ दिया, अब इसका रीजनरेशन वर्क कर रहा है। अब ये जो स्कूटर है ना वो खुद को चार्ज कर रहा है चलते चलते, वो यहाँ पे आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, वो चीज़ मैं आपको दूसरी वाली थीम पे अच्छे से अप्लाई करके दिखाऊंगा। एक बार इस थीम को हम चेंज करते हैं, ये देखो बोल्ट आ गई, यहाँ पे वो चीज़ अच्छे से पता चल जाती है। एक बार मैं आपको चला के दिखाऊं, साउंड कर लें बंद, हाँ साउंड को हमने बंद कर लिया। ये लग गई, अभी देखना आप, ये हम चला रहे हैं रेड हो रहा है, अभी देखना एक सर्टन स्पीड पे ले चल के इसको छोड़ेंगे। ये छोड़ा, ये देखिए रीजनरेशन वर्क कर रहा है, अभी ये खुद को चार्ज कर रहा है। तो ये रीजनरेशन पावर सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आता है। अभी हम इसे 60 तक लेके चलते हैं, फिर इसका ज़रा ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं, आखिर ब्रेक कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी ऑफर करती है, ब्रेकिंग रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, ज़रा उसे भी थोड़ा सा चेक कर लें हम।
ये आ गए हम 60 पे, एक्चुअली 65 पहुंच गए, एंड ब्रेक बाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट की देखो तो ये हुई, रियर में इधर है, उसे प्रेस करते हैं तो फ्रंट को भी दब रही है, ये शो करता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी कंफर्ट के बारे में बात की जाए तो हम लोग दो लोग इस टाइम पे बैठे हुए हैं, मुझे कोई इशू है नहीं, मेरी हाइट अराउंड 5.9 के अराउंड है, तो उसके बाद जो मेरे पैर हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, एंड ये देखो भाई मेरे दोनों पैर पूरी अच्छी तरीके से नीचे भी लग रहे हैं, तो इस हाइट के आसपास वाले लोग आराम से चला सकते हैं। अगर हाइट 5.5 के आसपास भी है ना तो भी चला लोगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी थोड़ा सा सेफ जगह पे चलते हैं, फिर हम इसका जो रिवर्स मोड है उसे भी आपको दिखाएंगे। परमानेंट मैं स्पोर्ट्स पे चला रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब हाइपर पर चलाएँगे ना तो कैसा फील आएगा। तो डेफिनेटली जब हमारे पास S1 Pro अवेलेबल होगा तो हम उसे भी चेक करेंगे, तो उसके बारे में तो हम तभी बात कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर फीचर्स काफ़ी सारे आते हैं, मैंने ब्रेकिंग आपको बता दी। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इनिशियली कुछ इश्यूज़ फील हुए थे, बट कंपनी ने उसको सुधार दिया है। अब तो जो इनके ब्रोशर आते हैं ना उस पर भी वो चीज़ लिखी हुई है लिटरली, तो वो एक चीज़ हो जाएगी, उससे रिलेटेड आपको कोई इशू होगा नहीं। अभी जैसे मैं दिखाऊँ, ये देख लो भाई, ईजी, जो छोटे मोटे पैचेस हैं उसको ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रंट में हमें मोनोशॉक टेलीस्कोपिक मिल रहा है, रियर में भी हमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई इशू होगा नहीं। कंफर्ट वगैरह के बारे में मैंने बता दिया, जो सीट की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ही डिसेंट रहने वाली है। बाकी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, वो एक फीचर्स का पार्ट बन जाता है। जो स्विचेस हैं उनको हम एक्सेस कितना कर पाते हैं, अब मैंने एक वीडियो देखा था, पता नहीं वो क्यों बोल रहे थे, बट मेरे लिए तो ये सारे स्विचेस जो है ना वो देख सकते हो, आराम से मैं इन्हें एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये हेडलाइट का कंट्रोल हो गया, ये रिवर्स के लिए, ये अपने टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, नीचे हॉर्न है, सिंगल हॉर्न है, काफ़ी ज़्यादा पिच इसमें हमें मिल जाती है। इधर से हम ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने जो मोड्स हैं उसे चेंज कर सकते हैं, बाकी अपने म्यूज़िक के कंट्रोल्स आ जाते हैं। थोड़ा सा सेफर जगह पे चलेंगे, वहाँ पे हम ये चेक करते हैं आखिर जो इसका रिवर्स वाला है वो कितना वर्क कर रहा है, एंड रिवर्स में ये कितनी स्पीड तक भी जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इसे चेक करेंगे। चलाते चलाते रिवर्स लगाएं, नहीं लगेगा भाई, चलाते चलाते रिवर्स लगाओगे नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये सेफ्टी यहाँ पर बरती गई है, उससे रिलेटेड आपको कोई इशू होगा नहीं। बाकी सिटिंग पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो अपना एज पर दी स्कूटर्स अपराइट आता है, ना ही कलाइयों में दर्द होगा ना ही आपकी कमर में दर्द होने वाला है, बाकी पैर वगैरह अच्छे से आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लगेज कैरी नहीं कर सकते हो, एंड एक ईवी स्कूटर में करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके नीचे ही आपको आपकी लिथियम आयन बैटरी कंपनी ऑफर करती है, तो उस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से ब्रेक को अप्लाई करें, सो ये देखिए अभी हम इसका आपको जो रिवर्स वाला सिस्टम है वो एक बार दिखाना चाहेंगे, आखिर ये रिवर्स में जाके कैसे लगता है। सो अभी ये देखिए नॉर्मल है, हम स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, इसे हम रिवर्स पर डालेंगे, ये आ गया रिवर्स में, साउंड कुछ ऐसी करेगा, एक्सेलरेटर को पीछे की तरफ घुमाओ तो 4 किलोमीटर पर आवर तक ये जाएगा सिर्फ, देखो, क्योंकि नॉर्मली पैरों से रिवर्स करना थोड़ा सा टफ बन जाता है इस स्कूटर को, क्योंकि सेंटर में आपका मोटर आ जाता है, यहाँ पर बैटरी आ जाती है, हालांकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बाकी साइड स्टैंड वगैरह ऐसे आ जाता है, फुट पैड कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी ओवरऑल आप एक बार देख सकते हो पूरा का पूरा स्कूटर कुछ ऐसा बन जाता है। ब्रेकिंग के बारे में हमने बात कर ली, अब लास्ट में कुछ चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डेफिनेटली बात करना चाहेंगे। हेडलाइट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्टर बीम्स आती हैं, काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रहती है, बाकी ये कुछ बन जाता है। एंड इधर साइड आ जाएं तो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स अपने LED वंस हैं, बाकी 165 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है, तो किसी भी टाइप की रोड पे आप इसको लेके जा सकते हो, बट ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हो और घर से थोड़ा सा पास हो। हाँ, चार्जिंग के बारे में बात करें तो ये देखो, ये रहा सॉकेट,
यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपकी ब्रांडिंग आती है, S1 है तो S1 लिखा है, S1 Pro में S1 Pro लिखा होगा, S1 Air में S1 Air लिखा होगा। पीछे अपनी LED टेल लाइट आ जाती है। इसका 360 व्यू आपने देख लिया, मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है इसको लेके वो भी आपने देख लिया। अब देख सकते हो हम इससे दूर हटे थे, ये हो गया अपना लॉक एंड हैंडल। अभी देख सकते हो भाई ये लॉक हो चुका है। इसे अनलॉक करने के लिए हमें फिर से इसमें पासकोड डालना पड़ेगा और उसके बाद हम रेडी होंगे घर चलने के लिए। अभी फ़िलहाल ये देखो ये ऐसे ऑन होगा ही नहीं, अनलॉक हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ओला S1 या फिर जो फीचर्स मैंने इसमें बताए हैं एंड ऑलमोस्ट चलाने का भी एक्सपीरियंस है वो तीनों ही स्कूटर्स में सिमिलर होगा। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे इस स्कूटर्स को लेके। अब अगर आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ओला के एक्सपीरियंस सेंटर आप जा सकते हो, जहां पर आपको टेस्ट राइड अवेलेबल करा दी जाएगी। मल्टीपल कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, S1 Pro भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, S1 Air अभी किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर पर अवेलेबल नहीं है। बाकी दैट्स ऑल अबाउट दिस। डिटेल में इसका वॉकराउंड देखना है तो हमने चैनल पे कवर कर रखा है, उसे देख सकते हो जाके। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।